आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पंडरपुर के मंदिरों में आया भीमा नदी का पानी, 105 गांव आ सकते हैं बाढ़ की चपेट में। दरअसल पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र भर में ज्यादातर नदियां अपनी सतह से ऊपर बह रही हैं। भीमा नदी और नीरा नदी का नीरा नरसिंगापुर में संगम होने से भीमा नदी अपनी सतह से ऊपर बह रही है। जहां पंडरपुर के पुंडलिक मंदिर में पानी घुस आया है तो 105 गांवों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है, क्योंकि पंडरपुर के दगड़ी पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। अगर अगले 5 दिनों तक सातारा, पंडरपुर और सोलापुर में बारिश ज़्यादा होती है तो 105 गांव बाढ़ के चपेट में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिला आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी शक्ति सागर डोले ने भीमा नदी में जाने से लोगों को मना कर दिया है तो 105 गांवों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।